हेलो एवरीवन, आई एम किशन सिंह राठौर, फिजिक्स फैकल्टी, सीएलसी सीकर, और आज हम जेई एडवांस 2019 के पेपर फर्स्ट फिजिक्स के सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। और ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है, और पेपर में तीन सेक्शन थे, जिसमें पहला सेक्शन जो था वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन के थे, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, और दूसरा सेक्शन जो था वो मोर देन 1 करेक्ट का था, जिसमें 8 क्वेश्चन थे, और तीसरा जो था इंटीजर ग्रिड था, जिसमें कि हमारे पास में 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें से अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। और ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट पेपर था, बट अटेम्प्टिंग पेपर था, चैलेंजिंग पेपर था। जिसने तैयारी कर रखी है वो उससे गो थ्रू हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा पेपर था, वन ऑफ द गुड पेपर। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स का। इसमें कहा है, इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल K40 न्यूक्लियाई इधर डीके इनटू द स्टेबल CH न्यूक्लियाई विद द डीके कांस्टेंट दिस वन, और इनटू अ स्टेबल ऑर्गन न्यूक्लियाई विद द डीके कांस्टेंट दिस वन पर ईयर, गिवन दैट इन द सैंपल ऑल द स्टेबल CA एंड AR न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाय द K न्यूक्लियाई ओनली इन टाइम दिस वन, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द CA एंड ऑर्गन न्यूक्लियाई टू द Radioactive K nuclei is 99, then the value of the T will be what? तो इसमें basically हमें radioactive element दे रखा है K, ठीक है, और वो जो K है वो CA में और organ में यहाँ पे ये decay हो रहा है, और इन दोनों का हमें decay constant दे रखा है। हम इसको lambda 1 ले लेते हैं, इसको lambda 2 ले लेते हैं, जिसका value हमको given है, ठीक है। और फिर हमसे last में कहा है कि CA plus AR upon K that is given to 99 ratio 1, इसका मतलब कि आफ्टर डीके जो के है हमारे पास में 1 पार्ट में रह गया है। अच्छा, दोनों से डीके हो रहा है, दोनों से डीके हो रहा है, तो इक्विवेलेंट जो होगा वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दैट्स इट। इसमें ये जो है ये एक्टिव न्यूक्लियर है, एक्टिव न्यूक्लियर हमारे पास में 1% है, दैट इज 1% ऑफ दिस टोटल, टोटल हमने एन नॉट लिया है उसका, ये 1% हो गया, एंड एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, ओके। इसमें एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, और फाइनली दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लैम्डा, तो हम यहाँ से टी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं एलन 100 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया एलन 10 इज 2.3, सो वी कैन राइट 2.3 इंटू 2, 10 टू द पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये वैल्यू हमको दे रखी है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू रख लेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा 9.2 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स। और हमसे यही पूछा था T into 10 to the power 9, so T is 9.2, so second option correct, okay? Next देखते हैं, next question जो है वो electrostatics का हो गया। इसमें एक shell दे रखा है, okay? और see, spherical shell, insulating shell, okay? Radius r carries a uniform distributed charge such that the potential at its surface is V naught, and a hole with the small area alpha 4 pi r square is made on the shell without affecting the rest of the shell, which of the following statement is correct? So what is given? Ek shell diya hua hai hume, hum yahan se lete hain ye shell, aur is shell ka radius hume r de rakha hai, aur is pe pure pe charge de rakha hai, theek hai, aur surface charge hai, surface charge mein iska jo charge density hai वो हमें नहीं दिया, लेकिन हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, अगर इस पे क्यू ले लेते हैं तो पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। सो फाइनली हमें के क्यू का वैल्यू जब भी चाहिएगा हम वी नॉट की टर्म में यहाँ से ले सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि यहाँ पे मान लो हमने एक होल कर दिया इसमें छोटा सा, विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द चार्ज, रेस्ट ऑफ द चार्ज को हमने अफेक्ट नहीं किया, तो इसको होल करने से यहाँ से कुछ चार्ज हट जाएगा, है ना। तो जो चार्ज का जो लॉस हुआ उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज था। हमने कहा टोटल चार्ज क्यू था डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया दे रखा है अल्फा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो यू सी, ये क्यू डैश हो गया जो यहाँ से हटाया हमने, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यू, इतना चार्ज हमने यहाँ से हटा लिया। अब हमसे जो पूछा है इस क्वेश्चन में, वो हमसे पूछा है एक तो पोटेंशियल के बारे में पूछा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है, तो वन बाय वन ऑप्शन को कैरी ऑन करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल इन द shell center on a distance of 2r from the center of the cell is reduced by this. वो ये कह रहा है कि यहाँ से इसको मिलाते हुए यहाँ पे 2r distance पे, this one is the 2r, ये 2r distance है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक total 2r distance है, तो ये distance यहाँ से r हो जाएगा, that's it,
टू आर डिस्टेंस पे फील्ड कितने से रिड्यूस हो गया। तो भाई अब हम कहते हैं कि पहले हम सुपर पोजिशन यूज कर लेते हैं, हम पहले पूरे कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहाँ ले लेते हैं और उसमें से इसका जो पार्ट हमने हटाया है उसका क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। पूरे कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। आर कितना है, टू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और सुपर पोजिशन से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा के, और क्यू क्यू हमारे पास कितना है, अल्फा क्यू, ओके। और ये स्मॉल चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए आर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और आर डिस्टेंस पे ये कैलकुलेट कर लिया। अब के क्यू बाई आर जो है, के क्यू बाई आर को वी नॉट रख सकते हैं, तो वी नॉट अपॉन फोर आर माइनस, और के क्यू बाई आर को फिर वी नॉट रख दिया, वी नॉट अल्फा बाई आर। तो इसी जो रिडक्शन हो रहा है फील्ड में वो अल्फा वी नॉट बाई आर से हो रहा है, जबकि यहाँ पे दिया अल्फा वी नॉट बाई टू आर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन के लिए जाएंगे, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस बाय, शेल के सेंटर पे हम पोटेंशियल की बात करें, शेल के सेंटर पे जब हम बात कर रहे हैं तो पहले कंप्लीट वही सुपर पोजिशन थ्योरम, पहले कंप्लीट स्फीयर की वजह से ले लिया, कंप्लीट स्फीयर की वजह से हमने ले लिया के क्यू बाई आर, ओके, जो सेंटर पे है वही सरफेस पे रहेगा, और इसको हम वी नॉट लिख सकते हैं, सो दिस वन इज वी नॉट, इसको वी नॉट कर दिया, माइनस माइनस हम इस वाले पार्ट को माइनस कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल कितना, के अल्फा क्यू बाय आर, सो इसको हम लिख सकते हैं वी सी इज इक्वल टू सम वी नॉट माइनस के क्यू बाय आर को हमने वी नॉट रख दिया, तो दिस वन इज अल्फा वी नॉट, सो वी नॉट कॉमन ले लिया, वन माइनस अल्फा। सो यू सी यहाँ पे अल्फा वी नॉट से रिड्यूस हुआ है, जबकि यहाँ पे कहा है कि पोटेंशियल रिड्यूस बाय टू अल्फा वी नॉट, तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन के लिए बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस बाय, अगर हम इनिशियली देखें कंप्लीट स्फीयर की वजह से देखें, कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहाँ पहले कितना था, जीरो था, अब इसको हटा दिया इसको यहाँ से, है ना, तो इसको हटाने के बाद में हम फिर वही सुपर पोजिशन से यूज करते हैं, तो सुपर पोजिशन से यूज करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, हमें इसी की वजह से देखना है, कहने का मतलब, ठीक है, तो इसी की वजह से देखना है, तो इसके लिए हम वापस वही लिख दें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो के क्यू की जगह अल्फा क्यू, और ये कितना है आर स्क्वायर, ओके। सो ये हम सीधा रिडक्शन फैक्टर ही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि पहले इनिशियली कितना था, टोटल की वजह से कितना है जीरो, और ये जो है ये सिर्फ इस वाले पार्ट का है, तो ये हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा वी नॉट बाय आर, जबकि यहाँ पे रिड्यूस दिया है कितने से, अल्फा वी नॉट बाय टू आर से, रिड्यूस के लिए या चेंज के लिए, क्योंकि इनिशियली जीरो था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ हमने रिड्यूस पार्ट ही लिया, क्योंकि पूरे की वजह से कितना है जीरो। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिखाया है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, रेशियो पूछा है सेल के सेंटर पे और सेल के सेंटर से इस होल की तरफ r बाई टू डिस्टेंस पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, तो सेंटर पे पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं, इसको हमने मेंटेन किया है इसी के लिए, और यहाँ पे जब देखना है पोटेंशियल तो पहले पूरे सेल की वजह से देख लें, वी डैश की बात करें, पूरे सेल की वजह से तो कितना था वी नॉट, और माइनस इसकी वजह से सुपर पोजिशन थियोरम से ही के अल्फा क्यू बाई के अल्फा क्यू बाई आर, ओके, लेकिन आर कितना है यहाँ से, आर बाई टू डिस्टेंस पे, तो आर बाई टू रख दिया, तो ये हो जाएगा वी नॉट और माइनस ये ट्वाइस अल्फा वी नॉट, वी नॉट कॉमन ले लिया, सो वन माइनस ट्वाइस अल्फा, और इन दोनों का रेशियो पूछा है, इन दोनों के रेशियो में आप देखें वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, वन माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस टू अल्फा, सो फाइनली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये हीट कंडक्शन का हो गया, इसमें कहा है कि करंट कैरिंग वायर हीट्स ए मेटल रॉड, ओके, एंड द वायर प्रोड्यूस द कांस्टेंट पावर पी नॉट टू द रॉड एंड द मेटल इज एनक्लोज इन द इंसुलेटेड कंडक्टर कंटेनर एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर टी इन द मेटल रॉड चेंजेस एज दिस, ये टेम्परेचर के चेंज का फंक्शन दे रखा है, और हमसे कहा बीटा इज कॉन्स्टेंट एप्रोप्रिएट डायमेंशन टी नॉट एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज वॉट, ओके, एक हमें रॉड दे रखा है, ठीक है, और उसको हम एक कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ऐसे लें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज हीट कैपेसिटी, इसको एच लिख दिया, इसको हमने डी क्यू लिख दिया, इसको डी टी लिख दिया, और रेट चाहिए तो हमने इसको टेम्परेचर के साथ में इसका रेट ले लिया, ये हीट का रेट है, ये हीट का रेट हमें पावर की फॉर्म में प्रोवाइड हो रहा है, कि पावर कितना प्रोवाइड हो रहा है, कॉन्स्टेंट पावर पी प्रोवाइड हो रहा है, सो दिस इज पी, और ये कितना है, ये है एच, और ये है डी टी बाय डी टी, ओके, नाउ हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें एच कैलकुलेट करना है, एच इज वॉट पी अपॉन डी टी बाय डी टी,
Now you see dt by dt लाने के लिए हमें t का function दे रखा है, t is equals to t naught bracket में 1 plus beta t की power 1 by 4. Okay, so dt by dt यहाँ से place कर सकते हैं, dt by dt is equals to some t naught beta 1 by 4 आगे आ जाएगा, और t की power 1 by 4 minus 1 that is what minus 3 by 4, so minus 3 by 4 को मैं 1 by 4 की power 3 लिख रहा हूँ minus में, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें वैसे तो हमें dt by dt यहाँ replace करना है, तो हमने ये replace कर लिया और हमारा answer आ गया, लेकिन वो answer इस format में नहीं दे रखा है, वो answer हमें दे रखा है इसको यहाँ से replace करना पड़ेगा कि ये जो t की power 1 by 4 है इसकी value यहाँ से लेनी पड़ेगी, t की value यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा t minus t naught divided by t naught beta, okay, and that is what t की power 1 by 4. इट्स ओके, ये इधर ले लिया और इसको नीचे ले लिया, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं तो पावर 3 में आ जाएगा, और यू सी पावर 3 में हमारे पास में ये ए की ऑप्शन है, तो ये t माइनस t की पावर पावर 3 में आ जाएगा, तो ये यहाँ रख लें और ये आंसर मिल जाएगा हमें. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि कंसिडर ए स्फेरिकल गैसेस क्लाउड ऑफ द मास डेंसिटी रो आर इन द फ्री स्पेस वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. एक गैसेस क्लाउड दे रखा है, okay, the gaseous cloud is made of the particle of equal mass I am moving in the circular orbit about their common center with the same kinetic energy. अच्छा, जो इतने सारे particles है वो cloud बना हुआ है, उन सब में सबका mass m है और सबकी kinetic energy k दे रखी है, so kinetic energy हम constant लेके चलेंगे. The force acting on the particle is their mutual gravitational force and rho is the constant, rho r is the constant in time. तो gravitational force की वजह से ही वो घूम रहे हैं, तो हमें एक तो cloud दे रखा है, suppose this one is a cloud, है ना, और इसमें बहुत सारे particle हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं. अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल लेते हैं m मास का, और ये जो है ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है. अब ये जो m मास का जो पार्टिकल है इस ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर लग रहा होगा वो सिर्फ इसके अंदर जो पार्टिकल आ रहा है या ये जो टोटल मास आ रहा है ये फोर्स यही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, ये तो शेल थ्योरम से नहीं लगा पाएगा. तो इस पे जो नेट फोर्स हम देखेंगे वो आएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे ये जो एम है ना ये आर का फंक्शन है, यू सी ये डिस्टेंस आर ले ली हमने, है ना, तो ये जो इसके अंदर जो मास आ रहा है वो एम आर है जो आर का फंक्शन है जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर. सो एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सो जी, तो यहाँ से हम एम कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ आर. ओके, और इसमें अच्छा एक चीज हमें और दी थी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, सो वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2k बाई एम हो जाएगा, सो इस वी स्क्वायर को 2k बाई एम से रिप्लेस कर दिया, और ये जी यहाँ से ले लिया, और ये आर इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो फाइनली हमने ये इस स्फीयर के अंदर या इसके अंदर जितना भी मास आ रहा था वो एज ए फंक्शन ऑफ आर कैलकुलेट कर लिया. अब इसमें इसको चूंकि ये मास रेडियस के साथ चेंज हो रहा है तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया डी एम बाई डी आर, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2k बाई एम जी. डी एम यहाँ पे एक छोटा सा शेल कंसिडर कर सकते हैं जिसका ये विड्थ जो है डी आर है. अगर विड्थ डी आर है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. सो डी एम को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये टोटल डी एम आ गया, अगेन डिवाइड बाई डी आर, एंड दैट इज 2k बाई एम जी. ओके, डी आर से डी आर कैंसिल, और यहाँ से हमें रो मिल जाएगा, सो रो इज वॉट, रो हो जाएगा 2k अपॉन, बाकी रह गया ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में m इंटू जी, इसमें 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट. अब हमसे पूछा है व्हाट इज, हमसे पूछा है कि एन आर नंबर डेंसिटी इज वॉट रो आर बाई एम, तो रो आर डिवाइड बाई एम कर लें, ये डिवाइड बाई एम, तो यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, यही नंबर डेंसिटी है और यही हमारा आंसर है. ये आंसर हमें मिल रहा है कौन से, थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन में ये हमें मिल गया, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट.